वहाँ हूँ टू के लिए पुराने स्टॉप की तरफ, जो कि ब्लॉक एम, ब्लॉक एन और बयानी हाइट्स का रास्ता है। आप इसके सामने देख रहे हैं कि ये जो मेन रोड है जो कि ग्रीन लाइन के साथ चल रहा आ रहा है, वहाँ ट्रैफिक की आबादी बहुत मुतासर हुई हुई है। और ट्रैफिक की आबादी मुतासर होने की वजह यहाँ बारिश और पानी का मसला नहीं है, मसला जो असल है वो ये है कि जो आगे का रोड है वो पूरा बैठ गया है और पूरा रोड जो है टूट गया है। तो आप देख सकते हैं कि रोड का बुरा हाल है और ट्रैफिक की रवानी जो है मुतासिर हो रही है। और ट्रैफिक आप देख सकते हैं कि इतना मतलब जैसे जा रहा है। सामने जो है ये टेंट लगा हुआ है, टेंट के इस तरफ से पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो है रोड मुतबादल रास्ते जा रहा है गाड़ियों का। और इधर जो है पूरा ट्रैफिक जाम हुआ है। और ट्रैफिक जाम होने की जो मेन वजह है वो ये है कि यहाँ जो है आगे रोड पूरा बैठ गया है और रोड बैठने की वजह से जो है ट्रैफिक जाम हो रहा है। ये बारिश की वजह से नहीं हो रहा, बारिश का पानी तो अलग खड़ा हुआ है, मगर जो रोड बैठा हुआ है वो मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ कि रोड कैसा बैठा हुआ है। बहुत बुरी तरीके से रोड बैठा है, जिस वजह से जो है ट्रैफिक जाम है। आप पीछे देख सकते हैं पूरा रोड जाम हुआ है, पूरा मुतबादल रास्ता आ रहा है। और सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह यह है कि आगे रोड पूरा बैठा हुआ है। तो यह है कराची के नॉर्थ गाजियाबाद ब्लॉक एम, ब्लॉक एन बयानी हाइट्स और चूँकि ये आखिरी स्टॉप की तरफ का रास्ता जहाँ ये मंगल बाजार लगता है, वहीं जो है पूरा रोड बैठ गया है। सामने ग्रीन लाइन जा रही है, सामने पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, सामने जो है ये एरिया है, सारे हॉल बने हुए हैं, आगे फारूक आज़म है।